आज हम आपको वृंदावन के वास की, वृंदावन के उपवास की, वृंदावन के निवास की और वृंदावन की उपासना की कथा सुनाएंगे। आप लोग जो ऐसे ही सिलवट्टा से घिट रहे हो ना भावना के बिना, कई तो ऐसे घिस रहे हैं, बोले महाराज ने बैठाल दिया, चलो करते हैं, भाव नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में मत करो, भावना से करो। तुम्हारे भाग्य का वर्णन तुम कभी एक जन्म में नहीं कर पाओगे। जिस ब्रज भूमि को तुमने, ब्रज रज को तुमने हाथ में ले रखा है, ये रज कोई साधारण है क्या? बोलिए, साधारण है? इस रज को प्रणाम करने के लिए शंकर भगवान भी कई बार ब्रज आए हैं, इसीलिए तो ब्रज में ये उत्सव हो रहा है। शंकर भगवान इस ब्रज के पांच कोनों पे बैठे हुए हैं और यहां ये उत्सव करने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न है, प्रियाकांत सरकार प्रसन्न है और जो इस सेवा में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें उनके इष्ट की भक्ति प्राप्त होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। सावधानी पूर्वक समझिए, यह ब्रजरज साधारण नहीं है। जिस रज में हम बैठे हैं, जिस रज से हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, जितनी पार्थिव शिवलिंग हम बना पाए महादेव उतना ही आशीर्वाद देंगे। काय के लिए? अपने प्रियाकांत सरकार के चरणों में भक्ति दृढ़ हो जाए, इसलिए।